सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मौज़म, ये टेलीग्राम रिवाल से आया है। दुश्मन अल्बानिया में बगावत का आगाज करना चाहते हैं। वो उन्हें भड़काने के लिए इसद पाशा की गिरफ्तारी को वजह बनाएंगे। सुल्तान मौज़म, त्राबलुस वो इलाका जिसे इटली पाने की कोशिश में है, हमें उनकी उसे हासिल करने में मदद करनी होगी। स्तेफानो को भी इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने गद्दारी की थी। कैसी गद्दारी? वो आलिया सुल्तान से मोहब्बत करने लगा था। और जनाब करासू ने मुझे कहा था कि आपको ये दस्तावेज दिखा दूं ताकि मेरी शनाख्त पर शक न हो। ये लीजिए। सुल्तान अब्दुल हमीद उन पर तशद्दुद करवा रहा है। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, हम बगावत जारी रखेंगे। लेकिन सुल्तान मौसम, इसे को रिहा किए बगैर हम वो बगावत नहीं रोक सकते। आप ठीक कह रहे हैं पाशा, इसलिए हम इसद को रिहा कर देंगे। इस दवा की वजह से पहले आपका मैदा खराब होगा और फिर आपको बुखार चढ़ जाएगा, उसके बाद आपको शिफा खाने ले जाया जाएगा। किस हवाले से बात करनी होगी? उन्हें बताना कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और तुम सही सलामत हो। इसलिए जैसे ही साफियों के सवालात खत्म होंगे, हम इसे ले जाएंगे। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा और लिखा गया वो सब झूठ है। सुल्ताने मौज़म, मैंने सुना है कि रूसी बादशाह बॉस्फोरस के हवाले से कोई मंसूबा बना रहा है, लेकिन अफसोस कि मैं इस मंसूबे की तफसीलात नहीं जान सका। तुम पाल्मर और इसद को बताओगे कि बंदरगाह पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बंदरगाह पर पहुंचकर तुम बजायर हमसे गद्दारी करते हुए उनको जहाज नंबर 7 पर सवार कर दोगे। शहजादे की तबीयत अब कैसी है सुल्ताने मौज़म? क्या कोई बेहतरी आई? हमें उनके होश में आने का इंतजार है। अहमद नूरी हौसला मंद है, बहादुर हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। वो बिल्कुल आप जैसे हैं। वो जिंदान में मौजूद शख्स, क्या कुछ बताया उसने? अभी नहीं बताया, उसकी सेहत कुछ खराब हो गई है, उसे शिफाखाने ले जाया गया है। क्या हुआ है उसे? शायद बुखार हो गया है उसे, तबीब मुआयना कर रहे हैं। बेशक उसने हमारी मलिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, फिर भी हम उसके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे कभी भी आपसे दूर ना करे। लेकिन अगर किसी दिन हमें इस महल से जाना पड़ा, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगी सुल्ताने मौसम। आपका साथ ही मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती एहसास है।
हम जानते हैं मलिका, आपकी रफाकत पर हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। आ जाए। आलिया सुल्तान, आपको एक खुशी की खबर सुनाने आई हूं मैं। किस खुशी की खबर की बात कर रही हैं आप? शहजादे की हालत इतनी तश्वीशनाक है, हम कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक कहा आपने, शहजादे की वजह से मैं भी अफसरता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये खबर सुनकर आपको कुछ तसल्ली जरूर मिल जाएगी। यकीन कीजिए, अब हमें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता और हम अब किसी भी किस्म का साथ नहीं देंगे। आप अपनी हद पार कर चुकी हैं। मैं समझ नहीं पा रही, अचानक आपका रवैया मेरे साथ इतना बदल क्यों गया है? हुआ क्या है बताइए मुझे आलिया सुल्तान। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप जल्द अज जल्द इस महल से तशरीफ ले जाइए और यही हम सबके लिए बहुत बेहतर होगा। क्या हमें इज्जत पाशा के बयान की तरदीद करनी चाहिए? नहीं, हम इन्हें अल्बानिया भेज देंगे। आ जाओ। जनाब रिवाल से आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। बहुत शुक्रिया, अब तुम जाओ। क्या हुक्म आया है? रूसियों का बॉस्फोरस पर हुकूमत का ख्वाब तबाह करना होगा। मगर यह हम कैसे करेंगे? उनके जंगी मंसूबे को बेनकाब करके, ये हुक्म है। क्या आपका रूसियों के साथ इत्तेहाद नहीं? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब पाल्मर? चलें जरा अपने इत्तेहादी से मिल लेते हैं, रूसी सफीर को यहां बुलाइए। बल्कि आप खुद जाएं और जल्द अज जल्द उन्हें यहां ले आएं। रिवाल के हवाले से बात करनी है। उनका मंसूबा कैसे बेनकाब करेंगे? उठिए मत बेटे। सुल्ताने मौज़म, लेटे रहिए, आराम कीजिए। अल्लाह का शुक्र है सुल्ताने मौज़म, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लिए बस यही काफी है। हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद हो जाएं बेटे। क्या हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है? हम उनकी तलाश में हैं, वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन इससे अहम बात यह है कि रिवाल में हमारी रियासत के टुकड़े करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। वो इजलास शुरू हो गया? सुल्तान मौसम, रिवाल से टेलीग्राम आया है। शहजादे, हम करसू का ताकुब कर रहे हैं। सुल्तान मौजम ने हमें बरतानवी सिफारत खाने पर नजर रखने को कहा है। पाशा, हम सफीर के पीछे जा रहे हैं, देखते हैं ये कहां जाता है। ठीक है उस्मान। रिवाल में टेलीग्राफ अफसर के तौर पर मौजूद हमारे जासूस ने सुना है कि रूसी शहंशाह ने एडवर्ड को बॉस्फोरस पर हमले की तैयारी के बारे में बताया है, लेकिन वो हमले की तफसीलात जान नहीं पाए। अब क्या करेंगे सुल्ताने मौसम? यहाँ इस मंसूबे पर पाल्मर नामी शख्स कार्रवाई कर रहा है, हमारे खिलाफ इकदाम कत्ल करने वाला भी वही है। अगर हम पाल्मर को पकड़ लें तो रिवाल इजलास में होने वाले फैसले की डोर काट देंगे।
सुल्तान मौजम अगर करासो आजाद होना चाहता है तो हमसे किया हुआ वादा पूरा करेगा क्या? पालमर और इज्जत को हम तक पहुंचाएगा? पाशा हजरत को खबर कीजिए, रोमेलिया और बॉस्फोरस की हिफाजत के लिए जरूरी इकदामात के हवाले से मुज़ाकराती इजलास मुनक्कद करें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। शहजादे, तशरीफ रखिए। शहजादे मोहतरम की हालत अब बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। अल्लाह का बेहद शुक्र है। सुल्तान मौज़म की ये परेशानी तो कुछ कम हुई। हमने अपनी परेशानी नहीं जाहिर होने दी, मगर हम खुद शहजादे की हालत का सुनकर बहुत डर गए थे। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे। आमीन। अल्लाह पाक हमारे प्यारों को हमसे कभी दूर ना करे। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। सुल्ताना, क्या आज आपने मेरी साहिबा के साथ कहीं सैर पे जाने का सोच रखा है? आज हम उन्हें सास की महल लेकर जाएंगे और फिर कल लड़कियों के मकतब की तरफ चलेंगे। आप मजीद कितने दिन यहाँ उनकी मेहमान नवाजी करना चाहती हैं? आप क्यों पूछ रही हैं? हमें तो लगा था कि आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। हमें लगता है वो आपकी मेहमान नवाजी का गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। सालिया सुल्तान, नादिर साहब, ये सफीर बुलावा भेजने के बजाय खुद क्यों चला आया? जरूर कोई अहम बात है। नादिर साहब, आप इन सफीरों के पीछे जाएं। मैं मालूम करता हूं कि आखिर यहां क्या चल रहा है। जाए। क्या मैं आपकी मदद कर दूं भाई? काफी भारी लग रहा है ये। हमें मदद की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तुमसे किसी ने पूछा है क्या? रुको, ये सिफारत खाना है भाई, यहाँ बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकते, चले जाओ। हद है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। जा रहा हूँ मैं। तो क्या आपको अपने इस मंसूबे पर पूरा भरोसा है करसु? जी बिल्कुल, मुझे भरोसा है। अगर मैंने अब्दुल हमीद का कहा ना माना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा जनाब पालमर। अब होगा ये कि बंदरगाह पर सिपाही आपको पकड़ने के लिए आएंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये है मेरा मंसूबा, यानी आप फौरन वहां से एक छोटी सी कश्ती पर सवार होकर रवाना हो जाएंगे। अब्दुल हमीद ये समझेगा कि आप फरार हो गए हैं और फिर वो मुझे आजाद कर देगा, क्योंकि मैंने तो उसके वहमोगुमान के मुताबिक मदद की होगी। और आपका इस तरह फरार हो जाना उसके सिपाहियों की गफलत कहलाएगी। मगर हम वापस कैसे आएंगे? हाँ, आपके रवाना होते ही मैं आपको एक आसान रास्ते के जरिए वापस बुला लूंगा और फिर हम अब्दुल हमीद के खिलाफ अपनी इस भरपूर जंग को जारी रखेंगे जनाब पालमर। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे रूसी सफीर से एक अहम मामले पर बात करनी है। आप बाहर बैठकर मेरा इंतजार कीजिए इज्जत पाशा के साथ। आइए। सुल्तान मौज़म, हमने पालमर की वजह से बरतानवी सिफारत खाने पर नजर रखी हुई थी कि अचानक वहां करासू आ पहुंचा।
और फिर बरतानवी सफीर सिफारत खाने से बाहर चला गया। हमने बरतानवी सफीर का ताकुब किया, वो रूसी सिफारत खाने पहुंचा और कुछ ही देर में रूसी सफीर की हमरा सिफारत खाने से बाहर निकला और इसी दौरान एक मशकूक सवारी सिफारत खाने के सामने आई। कैसी सवारी? उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया सुल्ताने मौजम, लेकिन मुझे सिफारत खाने वालों से ज्यादा बग्गी बान घबराया हुआ लगा। मैंने बग्गी के नंबर से उसकी तहकीक की, वो बग्गी बरतानवी सिफारत खाने के नाम पर है। जब मैं उस सवारी की तहकीक में लगा तो नादिर साहब सफीरों के पीछे चले गए, वो दोनों सफीर बरतानवी सिफारत खाने चले गए हैं। हम जानते हैं कि करासू बरतानवी सफारत खाने जाता है, फिर बरतानवी सफीर सफारत खाने से निकलकर रूसी सफारत खाने जाते हैं और खुद रूसी सफीर को बुला कर लाते हैं, और फिर सफारत खाने के सामने मशकूक सवारी आती है और वो सवारी कानूनी तौर पर बरतानवी सफारत खाने की है। क्या वो बॉस्फोरस के हवाले से कोई मंसूबा बना रहे हैं सुल्ताने मौसम? हम नहीं जानते बादशाह, नहीं जानते कि उनका क्या मंसूबा है। हम रिवाल में मौजूद अपने जासूस की जानिब से मजीद मालूमात आने का इंतजार करेंगे। रिवाल इजलास के मुताबिक अब दुनिया का जुग्राफिया दो रियासतें यानी बरतानिया और रूस मिलकर बदलेंगे, और इस इजलास के असरात सबसे पहले उस्मानी रियासत पर जाहिर होंगे। हाँ यकीनन, हमें भी इजलास में होने वाले फैसले का इंतजार है। यकीनन हमारे शहंशाह और आपके बादशाह के दरमियान बॉस्फोरस के हवाले से कोई मुश्तरक मुआहदा होगा। आ जाओ। क्या बात है इगोर? जनाब, सिफारत खाने में एक लाश मिली है। ये तुम क्या कह रहे हो, किसकी लाश? तफसील नहीं मालूम, लेकिन वो एक तबीब की लाश है जिसे सुल्तान अब्दुल हमीद तलाश करवा रहा था। सुल्तान के तलाश करता किसी तबीब से हमारा क्या ताल्लुक? इस बारे में कोई मालूमात नहीं। अगर वो अब्दुल हमीद का तलाश करदा तबीब है तो आप मुदाखलत ना कीजिए, क्योंकि आपका उसकी मौत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप खुद जाकर सुल्तान को वजाहत दीजिए, फिर वो लोग खुद ही इस कत्ल की तफ्तीश कर लेंगे। किसी ने लाश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं जनाब, सिर्फ उसकी शनाख्त के लिए तलाशी ली थी तो मालूम हुआ कि वो एक तबीब है। इस खबर के बाद आपको मेरी साहिबा को क्याम की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, हमने उन्हें महल में बुलाकर गलती की। हमें लगा था कि शायद उनकी सोच बदल जाएगी, लेकिन वो तो उस्मानियों के बारे में झूठी खबरें लिखने की तलाश में थी, और उन्हें वो मौका भी मिल गया। जरूर उन लोगों ने उसको जहर दिया है जो नहीं चाहते कि वो कुछ बताए। वो डर गए होंगे कि कहीं उनका नाम नफाश हो जाए। अच्छा नहीं किया आपने ये मेरी साहिबा, लगता है आप खबर पढ़ चुकी हैं। आपने हमारे खुलूस का नाजायज फायदा उठाते हुए इस तरह की झूठी खबर शाया की है। आपका मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही था ना कि हकीकत को करीब से देख सकूं मैं? मैंने भी बस वही किया है। एक मुल्ज़िम के बारे में खबर शाया करना गलत है, वो भी जिसकी अभी तफ्तीश जारी थी, और आपने अपनी खबर में उस्मानियों पर उसे जहर देने का झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने बस इतना लिखा है कि जंदान में कैद एक बरतानवी शहरी को जहर दिया गया है। जहर किसने दिया इस बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसे उसके अपनों ने ही जहर दिया है ताकि वो सच ना बता पाए। मैं एक सहाफी हूँ सालिया सुल्तान, कोई नजूमी नहीं, और मैं खबरें आपकी हिमायत हासिल करने के लिए नहीं लिखती, बल्कि आवाम को हकीकत से आगाह करने के लिए लिखती हूँ। सुल्ताना, सुल्ताने मौजम ने मेरी साहिबा को एक अहम बात करने के लिए तलब फरमाया है और कहा है कि ये उनसे मुलाकात किए बगैर महल से बाहर ना जाएं। मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा? बहुत जल्द, लेकिन पहले आपको उस दवा के असर से छुटकारा पाने की जरूरत है। अपना बाजू आगे कीजिए। आपकी मौत पर मेरी साहिबा को भी अफसोस होगा, उन्हें भी यही लगा था कि आपको बचा लिया जाएगा, लेकिन मुझे आपको मारने का हुक्म मिला है।
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा जनाब विक्टर। बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल, हर कैद से आजाद हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, रूसी सफीर आए हैं, आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। बुलाइए अंदर उन्हें। जी बहुत बेहतर, दरवाजा खोलिए, आइए। आ जाइए। सुल्तान मुअज्जम, खुशामदीद सफीर साहब। मैं आपको अपने सिफारत खाने में होने वाले एक मशकूक वाकये के हवाले से आगाह करने आया हूँ। कहिए, हम सुन रहे हैं। हमारे सिफारत खाने में एक लाश मिली है और हमें खबर मिली है कि आप उस शख्स की तलाश में थे। कौन है वो? महमत नामी एक तबीब है। सुल्तान मौसम, ये वही तबीब है जिसने उस बच्चे हुसैन को कत्ल किया था। सुल्तान मौसम, हमारा उस तबीब की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें लगता है कि किसी ने हमारे खिलाफ ये चाल चली है ताकि हमारे और आपके अच्छे मरासिम को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया जा सके, इसीलिए मैं बिला ताखिर आपके पास चला आया। अब हमसे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप खुद इस कत्ल की तहकीक करवाएं। कानून के मुताबिक तो हुकूमत के पास सिफारती मामलात की तहकीक का इख्तियार नहीं होता, लेकिन हम आपको इसकी इजाजत देंगे। ये काम सिर्फ कह देने से तो नहीं होते सफीर साहब, आपको तहरीरी दरखास्त देना होगी। कहीं कल हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी मसले की वजह से हमारे सियासी ताल्लुकात खराब हो जाएं। बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, आपके कहने के मुताबिक तहरीरी दरखास्त पेश करेंगे हम। तहसीन पाशा जी, हुक्म कीजिए। दस्तावेज तैयार करवाइए, सफीर साहब दस्तखत करेंगे, फिर उस्मान और नादिर साहब को तहकीकात के लिए भेज दीजिए। जैसा आपका हुक्म। चलो बताओ मुझे, क्या तुम लाश वहां छोड़ आए हो? जनाब, पहले हम उस गोदाम में गए जहां रूसी सिफारत खाने के संदूक पड़े होते हैं, फिर हमने तबीब की लाश उनमें से एक संदूक में डाल दी, संदूक को बाहर से बंद कर दिया, फिर हम दोनों वहां मौजूद बाकी संदूकों में खुद लेट गए। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई खाली संदूक समझकर खोलने की कोशिश ना करे। फिर वो लोग संदूक ले गए, जब हमें लगा उन्होंने संदूक एक कमरे में रख दिए हैं तो हम संदूक से बाहर आ गए। फिर मैं सिफारत खाने के दस्तावेजात वाले कमरे में गया और जंगी मंसूबा तलाश कर लिया। फिर हमने वो कागजात लिए और लाश को राहदारी में छोड़ दिया। कागजात को भी ऐसी जगह पर रखा जहां उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। कहां रखे कागजात? तबीब के सामान में रखे हैं। हमने वैसे किया जैसे आपने कहा। वक्त हो गया है जनाब पाल्मर। चलें भाई, हम भी चलते हैं। ये जख्म 12 घंटे पुराना है, लाश भी ठंडी है। इसे खोलिए नादिर साहब, देखते हैं अंदर क्या है। Thank you.
किसी ने शायद ये कत्ल नहीं किया, मगर ये रियासत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। तुम लोग यहीं रुको। क्या हुआ है? वे नकाब हो गए तुम लोग। अब आप जाकर उस छोटी सी कश्ती में सवार हो जाइए जनाब पाल्मर। ये कश्ती आपको जहाज तक ले जाएगी। चलिए देर मत कीजिए, फौरन जाइए जनाब पाल्मर। आप रुकिए इज्जत पाशा। क्यों, क्या हुआ जनाब करासू? हमारी मंजिल अलग है इज्जत पाशा, जबकि इसकी मंजिल कुछ और ही है। चलिए सोस। मेरी साहिबा की सोच में जरा बराबर तब्दीली नहीं आई, या फिर शायद हम ही उन्हें अपना तारुफ अच्छी तरह नहीं करवा पाए। आप अपने बारे में गलत मत सोचिए सालेह सुल्तान। मेरी साहिबा वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। वो अपना जहन पहले से बनाकर आई थी। हमें बस इस बात का अफसोस है कि उनकी लिखी गई किताबों से लोग हमें गलत समझेंगे। सुल्ताना, कईम साल खादमा, क्या हुआ है? तबीब विक्टर नामी उस शख्स को बचा नहीं पाए सुल्ताना, वो मर गया। तहकीकात के नतीजे में हकीकत आया हो जाएगी सुल्ताने मौज़म, और सबको मालूम हो जाएगा कि हमारे इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस बात का पूरा यकीन है। हम देखेंगे सफीर साहब, कुछ ही देर में वाज़े हो जाएगा कि हकीकत क्या है। इजाजत दीजिए सुल्ताने मौज़म। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। क्या हुआ पाशा? सुल्तान मौज़म, नजीब पाशा आपसे मिलना चाहते हैं, एक अहम मामला है। उन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए। जी बेहतर सुल्तान मौज़म। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। नजीब पाशा, कहिए क्या बात है? सुल्तान मौज़म, पाल्मर मारा गया। मारा गया? कैसे, किसने मारा? सलीम, मेरे भाई सलीम ने मारा उसे। नजीब पाशा, हमने आपको पाल्मर को मारने तो नहीं भेजा था, आपको उसे गिरफ्तार करके लाना था। आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान मौज़म, लेकिन उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। बंदरगाह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर करसू ने इसद को कश्ती की तरफ जाने से रोक दिया। मेरे ख्याल से उसने
हमारे साथ और पाल्मर के साथ भी धोखाधड़ी की है और इज्जत को बचा लिया। हमारे सिपाही पाल्मर को पकड़ने ही वाले थे मगर उसने मुजाहिमत की तो भाई ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। इज्जत और करासू इस वक्त कहाँ है? ये तो नहीं मालूम मुझे, वो फरार हो गए थे। करासू देखते हैं सुल्तान तुम्हारे गजब से कैसे बच पाता है। मेरी ये आपने क्या कर दिया? आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? क्या किया मैंने? क्या आप मेरी शाया करदा खबर के बारे में बात कर रही हैं? उस बारे में तो आपको हमें बेवकूफ मत समझिए। आपने उसे मार डाला, जैसे स्टेफानो के साथ किया गया उसी तरह उसे भी रास्ते से हटा दिया। किस किस्म की इंसान है आप? बल्कि आप तो इंसान भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं मानते कि आपके सीने में दिल है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ आर्य सुल्तान। विक्टर को क्यों मारा आपने? बोले आप एक कातिल हैं और आप ये सब करके बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगी। आइए बेटे। सुल्ताने मुअज्जम बताइए, क्या आपको कत्ल के हवाले से कोई मालूमात मिली? सुल्ताने मुअज्जम आप खुद देख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। पाशा, ये दस्तावेजात हमें खत्म करने का फैसला किया गया है। रिवाल में दो रियासतें मुत्तहिद हुई हैं और उन्होंने हमें गिराने का फैसला कर लिया। उनका इजलास खत्म हो चुका है। रिवाल इजलास में और क्या फैसला हुआ है? वो हमें मिटाना चाहते हैं पाशा। इसके अलावा किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फैसले का हदफ हमें तख्त से माजूल करना है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो समझते हैं अब्दुल हमीद को तख्त से माजूल करके या हमें कत्ल करने का फैसला कर लेने से ये मामला यकसर खत्म हो जाएगा। क्या ये सफर हमने शुरू किया था जो हम पे खत्म होगा? हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मंजिल पर चलने वाले मुसाफिर हैं। क्या आग उन्हें जला पाई? हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात और उनके बताए गए हक के रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर हैं। क्या नील ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता नहीं दिया? हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुखालफीन के दरमियान भी अल्लाह पे भरोसा करने वालों में से हैं। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया जा सका? हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं। पैगंबर अकरम पर दुरूद व सलाम हो, हमारी जान उनकी राह पर कुर्बान। उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, शहर से निकाला गया उन्हें, क्या क्या जुल्म नहीं किए गए, लेकिन वो साबित कदम रहे। वो हमें माजूल करके, खामोश करवा के या कैद करके इस सफर को रोकना चाहते हैं। हम तो एक आम से इंसान हैं। ये सफर हमारी जात से कहीं ज्यादा अजीम है। ये सफर हमारी जात से कहीं ज्यादा अजीम है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इस सफर को रोक सकते हैं, हमारी मंजिल को मिटा सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस सफर में हम पर गालिब आ जाएंगे, मगर वो गालिब नहीं आ सकते। एक लम्हे के लिए भी वो हम पे गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि इस सफर पर हजारों मुसाफिरों को आजमाया गया और हजारों ही कामयाब रहे, क्योंकि सच का रास्ता मुश्किल मगर कामयाबी से सजा होता है। पाशा हजरात, नाउमीद मत हो और उदास मत हो।
हम अगर यहाँ ना भी हुए तो आप तो होंगे। आप अपनी रियासत और कौम के लिए अपनी जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से निभाते रहिएगा, साबित कदम रहिए, ताकि आपका नाम भी इस सफर में कामयाब होने वालों में लिखा जाए। चाहे कोई भी मुकाबला हो, तलवार लेकर आए, पिस्तौल लेकर आए या तोप लेकर आए, यूनुस एम्रे ने कहा था, जिसे मर्दानगी का दावा है, वो आए मैदान जंग में। मैदान जंग सामने है, मर्द मुकाबला करते हैं, बुज़दिल भाग जाते हैं। हम इस मैदान जंग में साए की तरह हैं, क्योंकि वो नामर्द छुपकर हमला करते हैं, सामने नहीं आते। ये मत भूलिए, ये बुज़दिल लोग हमेशा मैदान जंग से भाग निकलते हैं। मत भूलिए, बुज़दिल कभी बहादुर पर गालिब आ ही नहीं सकता। आलिया, अपनी आंखें खोलिए। क्या इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं सालेहा सुल्तान, अब भी वैसी ही हालत है। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखिए, तबीब इनके लिए कोई दवा तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप ना उम्मीद मत हो। आलिया बिल्कुल ठीक थी और कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें। क्या आपको मेरी साहिबा पर शक है? आलिया क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, हम बस बातें कर रहे थे। आलिया सुल्तान का अचानक सर चकराने लगा और ही गिर गई। गिरते हुए मेज का कोना इनके सर पर लग गया। उस दिन कुछ तो कमरे में हुआ था कि आलिया इस हाल में है। कमरे में सिर्फ मेरी साहिबा मौजूद थी। उनसे कई बार पूछा गया है पर उनका कहना है कि वो बेकसूर है और उन्होंने आलिया सुल्तान की सेहत के बारे में अपनी फिक्र का इजहार भी किया है। नहीं जानते क्या सच है क्या झूठ। आलिया के होश में आने तक हम हकीकत नहीं जान पाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, वो लोग रिवाल इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पैदर पर इकदाम करेंगे। तो हम होशियार रहेंगे पाशा, बेदार रहेंगे, गाफिल नहीं होंगे। उनके अजाइम और नापाक इरादों को नाकाम बना देंगे। जासूसों से लेकर सरकारी अफसरान तक, सिपाहियों से लेकर मुहाफिजों तक, सबको चौकन्ना रहना होगा। रिवाल में हमारे खिलाफ इजलास करने पर वो पछताएंगे। रिवाल में होने वाली इजलास के बाईस रोमेलिया में बगावत शुरू होने का खतरा है। नौजवान तुर्क पेरिस में जमा हो रहे हैं। आवाम को लगता है कि रोमेलिया हमारे हाथ से निकल जाएगा और यही बगावत का सबब है। दुश्मन यही तो चाहता है बेटे, वो हमारे जवाल की झूठी खबरें फैलाएंगे। सब इस खौफ में मुब्तला हो जाएंगे कि हम रोमेलिया को खो देंगे और इसका नतीजा होगा बगावत। बगावत और फसाद बढ़ेगा और सियासत के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कौम की, रियासत की और परचम की फिक्र करने वालों को झूठ के जरिए जज्बाती किया जाएगा। अवाम का खौफ ही हमारा दुश्मन है, जिसे हमें सबसे पहले खत्म करना होगा। रियासत के खोने का खौफ, हम इस खौफ को खत्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपनी खिदमत पेश करने में कोताही नहीं करेंगे। अपनी रियासत और अपने अवाम की खुशहाली के लिए कारामत इकदाम करेंगे। उन्हें दिखाएंगे कि हम किसी से नहीं डरते, बल्कि आज भी साबित कदम है। हम ना ही डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे।
हार नहीं मानेंगे हम। इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद रहेंगे और अपनी कौम के लिए उम्मीद बनेंगे। हम ना उम्मीद कभी नहीं होंगे। इंशाल्लाह बेटे, हम एक कौम है, एक मुत्तहिद मिल्लत है और अपने पाक हिलाली परचम के साए में हमेशा आबाद रहेंगे। सुल्तान मौसम, दुश्मन चारों अतराफ से हम पर हमलावर हैं, तो अब हम ये सब कैसे करेंगे? पाशा, हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने अपने जानी दुश्मनों से बचते हुए गार में पना ली और अपने रफीक सिद्दीक से कहा कि घबराइए नहीं, पाक परवरदिगार हमारे साथ है। हम तारिक बिन ज़ियाद के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं जिन्होंने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए कश्तियां जला दी और कहा कि हमारे सामने समंदर जैसा दुश्मन और पीछे दुश्मन जैसा समंदर है, मगर हम अल्लाह की मदद से इनका मुकाबला कर सकते हैं। जी सुल्ताने मौसम। तो फिर क्या गम है पाशा, हमारा रहनुमा और कबला वाजे है। बेशक सुल्ताने मौसम। चार तो क्या, चाहे वो 14 तरफ से भी आ जाएं कोई गम नहीं। हम नहीं डरेंगे सुल्ताने मौसम। ना तो डरेंगे ना फुर्दा होंगे, हम अपने दिल को ईमान की ताकत से मजबूत करेंगे और साबित कदम रहते हुए हमेशा अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अब हम पर क्या जिम्मेदारी है, हमें अपनी सरजमीन और कौम के मफाद के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? सरजमीन को और अपने अवाम को आबाद करेंगे, कौम आबाद होगी तो रियासत मजबूत होगी। हम अपना रेलवे का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, खास तौर पर उन जगहों पर तवज्जो देंगे जहां कोई कमी या कोताही रह गई है। अपनी जरखेज जमीनों की आबियारी करेंगे, अपने मवेशियों के लिए चारा गाहें बनाएंगे, गांव में मौजूद किसानों के लिए अपनी उगाई हुई फसल और अनाज को बेचने के लिए सहूलियात मुहैया करेंगे, अस्पताल, यतीम खाने, मकातिब और तिब्बी इदारे बनाना जारी रखेंगे, शहरों में अमन सलामती और इंसाफ की सूरत हाल को यकीनी बनाएंगे। आज गुज़िश्ता कल से ज्यादा मेहनत करेंगे। कहिए वजीर आजम पाशा। सुल्ताने मौसम, माफी चाहता हूँ, एक अहम मसला है। कहिए पाशा, हम सुन रहे हैं। सुल्ताने मौसम, रोमिलिया में बगावत शुरू हो गई है, ये मालूमात सेलानिक में मौजूद नाजिम साहब से मौसूल हुई है। रोमिलिया में फसाद बढ़ता जाएगा, बगावत शोर मचाएगी। इज्जत पाशा, नई असेंबली का नुमाइंदा बनूंगा मैं, अब्दुल हमीद के ऐलान करने का इंतजार है हमें बस। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। सुल्ताने मौज़म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मैसन में अपने फराइज मुकम्मल कर लिए हैं। हमारी तंजीम और साथियों की तवक्कात पूरा करने का वक्त आ गया है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं उसमें, और ये सब हमारी रियासत के लिए फायदेमंद साबित होगा, देखना। सेलानिक से बुरी खबर मौसूल हुई है। कैसी खबर? नाजिम साहब को गोली लगी है सुल्ताने मौज़म। मामू, ये सब रकम के एवज नहीं कर रहे, सुल्ताने मौज़म और रियासत की खिदमत की नीयत से कर रहे हैं।